हेलो गाइस, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4, हीट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक एनसीईआरटी चैप्टर 4 एंड सीन द बुक। ओके, नाउ हीट। You know why we wear a woolen cloth in winter and why we wear cotton cloth in summer? You know? Yes. In winter, we wear woolen cloth during winter when it is cold outside. Woolen cloth keep us warm because woolen cloth are poor conductor of heat. Okay, and we prefer to wear light colored cotton cloth when it is hot. These give us a feeling of coolness because light colored cloth emit the radiation completely in the environment. Okay, now in winter we feel cold inside the house and if we come out in the sun, you feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. Okay? What is hot and cold? ठीक, तो next topic अब हम देखना चाहते हैं, hot and cold. आप देखिए, hot and cold किसे बोलेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं what is hot, what is cold, give few example, तो आप बोल देंगे कि आइसक्रीम इज कोल्ड, राइट? फ्रूट जूस इज कोल्ड, बट स्पून इन अ टी कप इज हॉट, हैंडल ऑफ अ फ्रेंक पैन मे बी हॉट इफ मेड अप बाय मेटल. ओके, टी इज हॉट बट आइस इज कोल्ड. अब आपको कैसे पता चला कि ये हॉट है, ये कोल्ड है? तो योर आंसर इज बाय टचिंग. ओ, हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? बाय टचिंग. बट इज अवर सेंस ऑफ टचिंग रिलायबल? सी, आप देखिए कि क्या हम किसी चीज को टच करके ये कह रहे हैं कि ये गर्म है, ये ठंडी है, तो दिस इज अ रिलायबल? आई थिंक नो. आप देखिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, थ्री बीकर्स आर देयर और थ्री बाउल्स आर देयर. आप ऐसा करिए कि अपने घर पर तीन बाउल ले लीजिए और तीन बाउल लेकर के उन पर बाहर नंबरिंग ए बी एंड सी कर दीजिए. अब आप क्या करें, ए में बिल्कुल हॉट वाटर ले लें और बी में एकदम कोल्ड वाटर ले लें. ओके, राइट? एंड सी में नॉर्मल वाटर ले लीजिए. ओके, अब आप क्या करें, एक साथ हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, एक में लेफ्ट हैंड और एक में राइट हैंड, सेम टाइम के लिए डाल दीजिए, अपने हाथ उसमें डिप कर दीजिए. ओके, तो अब आप देखेंगे कि हॉट वाटर वाला जो है आपको कैसा लगेगा, उसमें बहुत गर्म लगेगा आपको. जो कोल्ड वाटर वाला है उसमें आपको कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा. आफ्टर 10 मिनट रिमूव योर बोथ हैंड फ्रॉम द बोथ बीकर एंड पुट बोथ हैंड, जो आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रिमूव किया है, बोथ हैंड डिप इन बीकर सी वेर इज नॉर्मल वाटर. जैसे ही आप नॉर्मल वाटर वाले में डालेंगे तो आप देखेंगे कि जिस हैंड को आपने हॉट वाटर में रखा था उसमें आपको कैसा लगेगा, कोल्ड फील होगा, और जिस हैंड को आपने कोल्ड वाटर में रखा था वहां पर आपको कैसा फील होगा, स्लाइटली हॉट फील होगा. ठीक है, तो एक ही बॉडी का अपनी ही बॉडी के दो हाथ हैं, सेम मेटीरियल सेम पर्सन. ओके, अब एक और दोनों को हमने जब वाटर में डिप करा है तो एक हाथ में आपको गर्म लग रहा है और एक हाथ में ठंडा लग रहा है, तो हाउ कैन बी रिलायबल
रिलायबल विद टचिंग. ओके, तो हम टचिंग पर विश्वास नहीं कर सकते कि ये ठंडा है या गर्म, जब अपनी ही बॉडी के एक पार्ट में हमें गर्म लग रहा है और दूसरे पार्ट में सेम टाइम पर ठंडा लग रहा है, तो हाउ कैन रिलायबल इट. ओके, तो हाउ कैन वी फील एनीथिंग, व्हाट, हाउ व्हेन, हाउ कैन वी मेजर हॉट और कोल्ड. नेक्स्ट, तो हम किसी भी चीज को गर्म है या ठंडा है इसको हम किससे मेजर करेंगे, टेम्परेचर से. ओके, तो आप उससे पहले बुक में देखिए, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. तो हम किसी भी चीज के गर्म होने को हम कैसे बता सकते हैं, उसके टेम्परेचर से बता सकते हैं. और टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर. तो मेजर टेम्परेचर बाय द थर्मोमीटर, राइट. तो अब हम यहाँ पर थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे. थर्मोमीटर में आप देखिए कि क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर एट्सेट्रा. फर्स्ट वी वॉन्ट टू सी क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके, नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, आप देखिए कि आपने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में, क्लिनिकल थर्मामीटर इज ऑल्सो नॉन एज डॉक्टर थर्मामीटर. आपने देखा होगा कि अगर फैमिली में कोई भी सिक है, किसी को फीवर है, तो हम कैसे मेजर करते हैं, बाय थर्मामीटर, राइट. तो टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर एंड द थर्मोमीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर. जिस थर्मोमीटर से हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, राइट. क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है, आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. इट हैज अ बल्ब एट वन एंड एंड दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी. वॉट इज दिस, दिस इज मर्क्यूरी. And outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. और जब हम थर्मामीटर में देखते हैं, उसे एंगल से देखते हैं, तो उसमें एक बिल्कुल thin thread दिखाई देता है, shining thread, that is the mercury. Okay? तो ये एक थर्मामीटर है, right? अब इस थर्मामीटर में हम इसको कैसे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से टेम्परेचर को कैसे लेंगे, उसे देखने से पहले आप यहाँ पर देखिए कि यू विल फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर. आप थर्मामीटर पर देख रहे हैं कि एक स्केल है. द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल एंड इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस. क्लिनिकल थर्मामीटर से जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस. एंड डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट लाइक दिस, डिग्री एंड देन सी स्टैंड फॉर सेल्सियस. ओके, अब हाउ कैन यू मेजर टेम्परेचर, इससे पहले आप देखिए कि अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. क्लिनिकल थर्मामीटर से हम कितना टेम्परेचर, कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता, राइट. तो अभी आपने क्या पढ़ा कि जो हॉटनेस है,
hotness measure in terms of temperature and temperature measure by the device that is known as thermometer. And thermometer, what is thermometer? Thermometer is a uniform glass tube. It has a bulb at the end, and this bulb contains mercury, right? Okay. Now next, outside the bulb, a small thin thread of mercury can be seen. And through clinical thermometer, we can measure the temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Degree Celsius is the unit of temperature. It means always temperature indicated in form of degree Celsius, right? Now, how can you read reading thermometer? ठीक है, आप में से कितने लोगों को आता है? आपने कभी थर्मामीटर देखा? आपको रीड करना आता है? अगर आपने रीड करना आता है तो आपने कभी कभी देखा होगा कि हमें थर्मामीटर को एंगल से सेट करना पड़ता है, थोड़ा उसे रोटेट करना पड़ता है सिल्वर यानी कि शाइनी मर्क्यूरस थ्रेड को देखने के लिए, राइट? फिर भी एक बार आप देखिए, सी इन द बुक हाउ कैन वी रीड थर्मामीटर. लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर फर्स्ट. फर्स्ट, नॉट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स. आपने देखा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उस पर एक स्केल बना हुआ है, राइट? और जो स्केल बना हुआ है वो स्केल जस्ट किसके सिमिलर है? जो आप स्केल यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, वो उससे रिजेंबल करता हुआ है. आपने देखा कि जो आप स्केल यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दो बिग लाइंस जो होती हैं, टू बिग लाइंस, उसके बीच में 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं, राइट? मीन्स 1 डिविजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस. इन सिमिलर वे, सपोज कि दो टेम्परेचर के बीच में, दो मार्क के बीच में 10 स्मॉल लाइंस हैं. इट मीन्स 1 लाइन इज मेजर 1 डिग्री टेम्परेचर, राइट? इफ 10 इफ ऑन द स्केल 10 डिग्री, देन 20 degree, then 30 degree. If suppose the temperature difference is 10 degree between two big lines, then one small line indicate 1 degree, right? Suppose two big line have difference of 1 degree, then one small line represent by 0.1 degree. Okay? Clear? It is clear? Suppose समझ में आ गया? जिस तरह से स्केल में दो बिग लाइंस के बीच में 10 डिविजन्स हैं, तो यदि 3 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर है, मींस 1 सेंटीमीटर में यदि 10 डिविजन है, तो 1 डिविजन इंडिकेट द 0.1 सेंटीमीटर, राइट? ठीक इसी तरह से यदि 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री टेम्परेचर हो, तो 1 स्मॉल लाइन इंडिकेट्स द 0.1 डिग्री टेम्परेचर. और यदि 10 डिग्री के बाद 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो 1 स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री टेम्परेचर, राइट? समझ में आ गया सबको? ओके. अब हम कैसे चेक करते हैं? तो फर्स्ट आप सबसे पहले क्या देखेंगे? ये देखेंगे दो बिग मार्क्स के बीच में कितने डिवीजन हैं, ताकि आप रीड कर सकें. शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स. ओके, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 divisions between them, then 1 small division represents 0.2 degree Celsius temperature, 1/5. Okay, now how can you read? इसके लिए अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले wash the thermometer. सबसे पहले आप थर्मामीटर पे थोड़ा पानी डालें, एंड देन मे बी क्लीन वाटर और मे बी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. नाउ होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, और इसे हल्का सा जर्क दें. इस तरह से आप इसको हल्का सा जर्क दें. ओके, द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन
उससे क्या होता है, जो मर्करी का लेवल है वो डाउन आ जाता है. एनश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. तो आप एनश्योर हो जाएं कि 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे है मर्करी का जो लेवल है वो 35 डिग्री, अंडर 35 डिग्री सेल्सियस है. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग. अब जो थर्मामीटर में जो बल्ब है जिसमें मर्क्यूरी फिल है, उसको हम क्या करते हैं, टंग के नीचे रखते हैं. एंड आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट. 1 मिनट बाद आप थर्मामीटर को आउट कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए. नाउ नोट द रीडिंग. अब आप उसमें देखिए कि शाइनी थ्रेड कहाँ तक पहुँच गया है ना. दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर. द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस. ओके, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो 36.8, 36.9 अगर किसी को आता है तो इट मीन्स देर इज नो फीवर, बिकॉज 37 डिग्री सेल्सियस इज अ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट. अब यहाँ पर आप देखिए कि ये एक बॉक्स दिया हुआ है पिंक, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर. जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं तो हमें कुछ बातों को प्रिकॉशन रखना पड़ता है. फर्स्ट पॉइंट, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज. यूज करने से पहले और यूज करने के बाद आपको थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या फिर क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए. एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट. बिल्कुल आंखों के सामने रख करके मर्करी की जो लाइन है उसको हम रीड करते हैं. हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर. आप इसे बहुत सावधानी से पकड़िए. इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक. अगर ये बिकॉज ये ग्लास का है, अगर आपने तेजी से कहीं से किसी से टक्कर हो गई, किसी से टकरा गया, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा. ओके, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट. और जब आप रीडिंग लेते हैं तो थर्मामीटर को आप बल्ब की साइड से नहीं पकड़ें, राइट. अगर आप बल्ब की साइड क्या है, मर्करी है, और आपको पकड़ना कहाँ से होता है, ग्लास ट्यूब को पकड़ना होता है, सेंटर से या एट द लास्ट से आपको पकड़ना होता है. नाउ शॉन, ओके इट इज राइट. तो अभी हमने देखा कि थर्मामीटर को यूज करने से पहले भी आपको वॉश करना है और थर्मामीटर यूज करने के बाद भी आपको उसे वॉश करना है, आइदर थ्रू एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और क्लीन वाटर, राइट. अब इसमें ये देखा है, हमने सबसे पहले क्या देखा कि थर्मामीटर में दो डिवीजन, दो बिग लाइंस के बीच में कितनी स्मॉल लाइंस हैं. तो एक स्मॉल लाइन कितने डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट कर रहा है. सपोज 5 स्मॉल लाइंस बिटवीन 2 बिग लाइंस, देन 1 स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट्स 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ओके, और सबसे पहले आपने जब उस पर कोल्ड वाटर या वाटर से उसे वॉश किया, उसे हैंडल किया, मतलब कि हाथ से अच्छे से पकड़ा फर्मली मजबूती से, एंड हल्का सा उसे जर्क किया, तो क्या हुआ, जो मर्क्यूरी था उसका लेवल डाउन आ गया बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. और फिर उसको हमने क्या किया, टंक के नीचे 1 मिनट और 2 मिनट के लिए थर्मोमीटर की जो बल्ब है उसे टंक के नीचे रखा. एंड आफ्टर 1 मिनट रिमूव द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड रीड द टेम्परेचर. दिस इज द अवर बॉडी टेम्परेचर, राइट. नाउ नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये अलग अलग फिजिक होता है हर व्यक्ति का. और ऐसा नहीं है कि सबका टेम्परेचर एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा. मे बी स्लाइटली लो और मे बी हाई. एक्चुअली वॉट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर of large number of healthy person. Okay, what
नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन. तो ये जो बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल रेंज जो हमने लिया है 37 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअल में ये मैक्सिमम हेल्दी पर्सन का एवरेज टेम्परेचर है. ओके, नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उससे केवल और केवल हम बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. अगर हम केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम सोचें कि इसका टेम्परेचर भी हम थर्मामीटर से ले लें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसका रेंज एक लिमिटेड है, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो दिस इज द क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर. एक्चुअल में अभी चलिए हम आगे बात करते हैं, उससे पहले हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको. व्हाट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर? लेबोरेटरी थर्मामीटर जस्ट लाइक दिस, दिस इज अ स्ट्रेट लॉन्ग ट्यूब, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, दैट इज द लॉन्ग इन कंपेरिजन टू क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर इज स्मॉल इन साइज. ओके, एंड इट कैन मेजर द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका रेंज कितना कम था? बहुत कम था ना, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली. लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम कितना मेजर कर सकते हैं? -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से यूज कर सकते हैं. ओके, एंड यू डे सी फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिविजन ऑन द ऑन दिस थर्मामीटर. जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें तो आप देखिए कि बिटवीन टू बिग लाइंस हाउ मेनी स्मॉल लाइंस आर प्रेजेंट. ओके, नाउ व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन? इन एडिशन टू प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट, नॉट टिल्टेड. ओके, इसको हमें क्या रखना पड़ता है? एकदम स्ट्रेट रखना पड़ता है, 90 डिग्री का एंगल जिसको हम बोलते हैं ना, अपराइट, बिल्कुल परपेंडिकुलर जैसा. ठीक है, तो इसे एकदम अपराइट रखना पड़ता है, इसे हम ऐसे टेढ़ा करके नहीं रख सकते. ओके, एंड सेकंड इज बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंसेस. और ये जो बल्ब है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बल्ब है वो चारों तरफ से मटेरियल के थ्रू सराउंड होना चाहिए. ऐसा नहीं है, जैसे सपोज आप आइस का टेम्परेचर ले रहे हैं तो चारों तरफ से ये आइस से सराउंडेड होना चाहिए. अगर आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर ले रहे हैं तो ये चारों तरफ से लिक्विड से सराउंडेड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ओनली वन साइड टच बाय द आइस और लिक्विड. ओके, द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर. और जो बल्ब है, जो बल्ब है ये सरफेस को टच नहीं करना चाहिए. डायरेक्ट केवल मटेरियल जिसका कि हमें टेम्परेचर लेना है, जिसका हम टेम्परेचर लेना चाहते हैं, केवल उसी से टच होना चाहिए. ओके, नाउ सी इन लेबोरेटरी थर्मामीटर इन लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर एग्जाम्पल सपोज डिप द थर्मामीटर इन वॉटर. ओके, एंड नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वॉटर. नाउ यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वॉटर,
द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल. जैसे ही आप वाटर से थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं, उसका जो मर्करी का लेवल है वो एकदम से क्या हो जाता है, फॉल हो, गिरने लगता है. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर. इसका मतलब ये हुआ कि जब थर्मामीटर वाटर के अंदर डिप है, उसी समय आप वाटर का टेम्परेचर ले सकते हैं, उसी समय वाटर का टेम्परेचर देख सकते हैं. क्योंकि जैसे ही आपने वाटर से बाहर थर्मामीटर को निकाला, उसका मर्क्यूरी क्या हो गया, फॉल डाउन हो गया, तो यू कांट रीड द टेम्परेचर एट दैट टाइम. ओके, इसलिए ड्रॉबैक है ये कि क्लिनिकल थर्मामीटर में तो हमने क्या किया, डॉक्टर थर्मामीटर में तो हमने क्या किया कि टंकी नीचे रख करके और अपन ने उसे बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद उसे इजीली हम उसको सेट कर रहे हैं अपनी साइड से और उसको टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं. लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें हम, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ऑब्जेक्ट से बाहर निकालने के बाद, यानी लिक्विड से थर्मामीटर को बाहर निकालने के बाद उसमें टेम्परेचर को रीड कर सकें. जैसे ही थर्मामीटर को हमने वाटर से बाहर निकाला, वैसे ही उसका मर्करी लेवल क्या हो गया, फॉल डाउन हो गया, तो हम उस समय रीडिंग नहीं ले सकते. यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर को से टेम्परेचर को मेजर करते समय जब थर्मामीटर मटेरियल के अंदर डिप है, ठीक उसी समय हम उस टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. ओके, राइट. तो दिस इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर. नाउ व्हाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ. अब जो अपना क्लिनिकल थर्मामीटर है, जब हम उसे मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसमें मर्करी का लेवल डाउन क्यों नहीं होता, तो आप यहाँ पर गौर से देखिए, जो डॉक्टर थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें ये बल्ब है जिसमें मर्क्यूरी है, इसके आगे जस्ट यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. ओके, दिस इज नोन एज किंक. तो इसमें क्या होता है, किंक होता है, और इस किंक की वजह से जो वाटर, जो मर्क्यूरी है, उसका लेवल एकदम से डाउन नहीं आता, नीचे नहीं गिरता है, और हम इजीली टेम्परेचर को यहाँ पर मेजर कर सकते हैं. तो किंक नियर द बल्ब, दिस इज द किंक. ओके, एंड इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन, और ये मर्क्यूरी लेवल को फॉल होने से बचाता है. ओके, क्लियर, इट इज क्लियर. तो आपने क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा, ठीक है, दोनों समझ में आपको. नाउ रीड योर, अब आप एक बार अपना सेल्फ रीड करें, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी. ओके.